साहब बेटा, पुलिस को लेकर बहन के घर जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें तो पता है कि राबिया के पहले ससुराल में मसले हैं, तो फिर पुलिस को लेकर गए तो वहाँ उसकी क्या इज्जत रह गई? अम्मी जी, मुझे इज्जत और बेइज्जती की परवाह नहीं है। जहाँ तक आप बहनों की परवाह करने की बात कर रही हैं, तो जितनी परवाह मैंने करनी थी मैंने कर ली। दुनिया भर की नसीहतें सिर्फ हमारे लिए रह गई हैं, अपनी बेटियों से कुछ क्यों नहीं कहती हैं? आपकी इकलौती पोती की कातला की जमानत करवाई है, उसको अपने पास रखा हुआ है। देखो, पुलिस तहकीक तो कर रही है ना, केस चल रहा है, अब पुलिस को उनके घर ले जाने की क्या ज़रूरत? हम तो जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगता तो जाएं उनके पास। कह रही हो, अगर आपको अपनी पोती की मौत से ज्यादा उस नवासी की परवाह है तो आप जाएं, जाएं उसके घर से, नहीं जाएं, जाएं। हेलो, तुमने लॉयर से फॉलो अप तो नहीं किया ना उसके बेल के बारे में? अम्मी, मैं आने से पहले उसको इंस्ट्रक्शंस दे के आया था। अब अगर बीमार होने की वजह से वो कोर्ट नहीं पहुंच सका, इसमें आप मुझे तो ब्लेम नहीं कर सकती। तुम्हें ब्लेम करूंगी। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी अकेले थे जब पुलिस घर में आ गई थी, और तुम कह रहे हो मैं तुम्हें ब्लेम ना करूँ? अम्मी, मैं लॉयर से फॉलो अप कर रहा हूँ, वो बेल के लिए दोबारा एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। दोबारा बेल ना मिली तो हम कहाँ जाएंगे? तो अब मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं जानती, तुम जल्दी वापस आओ और ये सारा मामला सॉल्व करो, और उसके बाद जहाँ जाना है, जिधर जाना है वहाँ चले जाओ। सब में कुछ दिन लगेंगे। ठीक, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी इसी तरह ख्वार होती रहे, ठीक है, टेक योर टाइम, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। देखो बाबू, देख रहे हो ना, आज तुम्हारी बेटी पे कोई रश नहीं करता। तो नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए। काश, काश तुम यहाँ होते, काश। मेरी बेटी सबसे ऊपर जाएगी, सब इसको देखेंगे और इस पर रश करेंगे। बाबा, बाबा, मैं तो ऊपर नहीं जाना चाहती, मुझे नीचे उतार दें।